नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, सीजी संतोषी डी से लोक स्वामी आप सबके स्वागत है। आज लेके आओ संगवारी हो आप मन भर जरी साग की रेसिपी। तो जरी साग आप बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी लगती। तो एक करम यहाँ जरी के पत्ता ला अलग कर देता हूँ, जरी भाजी ला अलग कर देता हूँ यहाँ। अगर आप मना ला साथ में बनाना हो तो आप मन साथ में भी बना सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं आज बनाता हूँ संगवारी हो जरी और अहर की घुंघरी। वैसे तो जहरीला दाल के संग मही दही खट्टा में भी बनाते, बहुत ही स्वादिष्ट लगते। तो एक भाजी ला अलग कर देता हूँ मैं यहाँ जरी के। एक भाजी ला अलग कर दे हम यहाँ जरी के, देख सकते हो आप मन। हाँ, तो एक जरी के जो जड़ है ना वाला हल्का हल्का छील लेता हूँ, प्रकार से जैसे मुंगा छीलता है उस प्रकार से छील लेना है। पूरा जहरीला छीले की जरूरत नहीं है, बस जड़ला ही छील लेना है। तो एक यहाँ जहरी के जड़ला छील ले हम सब बोला। तो एक हम यहाँ काट ले बोला लंबा लंबा शेप में, प्रकार से जहरीला काट लेना है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं जरी के साग। तो एक में जहरीला काट ले हम। तो चलो फिर बना लेते हैं नवे जगह फोरन वाले। प्याज लहसुन सूखा मेथी हरा मिर्ची टमाटर हरा धनिया। अब एक में है रहेला, देख सकते हो आप मन। रहेला में पहले से चुरो ले हम, पका ले हम। तो गैस में रख दी हूँ कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दी हूँ तेल। तेल भी गर्म हो गई तो मैं डाल देता हूँ लहसुन हरा मिर्ची। हरा मिर्ची की जगह आप मन लाल मिर्ची भी ले सकते हो। प्याज फोरन ला बढ़िया से भून ले वो। अब डाल दे हमें सूखा मेथी। अब डाल देव हमें जरी, जरी में डाल के बढ़िया से जरी लगी भून लेना है। गैस के आँच लग कम में कर दे हूँ, ढक्कन लगा दे हूँ, तो जरी है अच्छे से जल्दी से बुझा जाए, जल्दी से पक जाए। थोड़ी सी तो जरी है बुझा गई, पक गई भी थोड़ा थोड़ा। तो मैं डाल देता हूँ हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर में थोड़ा सा डाले हूँ खबर की, मैं हरा मिर्ची भी डाले हूँ पहले से। अब एक डाल दी हम यहाँ धनिया पाउडर, मसाला अलग ही भून ले वो। मसाला भुना गया है, अब एक डाल देता हूँ टमाटर। टमाटर अभी बढ़िया से भून लेना है, थोड़ा से भुना ही ना कर बाद ही नमक डालो तो जल्दी से टमाटर है गल जाए। अभी का डाल दी हमें नमक, नमक डाले से ना जल्दी से टमाटर गल जाए। तो एक देख सकते हो आप मन। हाँ, टमाटर है बढ़िया से गल गया हवे और जरी भी पक गया हवे। तो एक डाल देता हूँ यहाँ रहर घुंघरी जो पका चुरो के रखे रही हूँ ना ओला। और मैं रहर घुंघरी चुरोऊँ तो थोड़ा से नमक डाल दे रही हूँ मैं। और मैं रहर घुंघरी ला चुरोई में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, बस 15-20 मिनट में आसानी से पक जाते। तो मैं डाल दें सोमवार में थोड़ा से पानी, पानी डाल के थोड़ा से पका ले वो। ज़्यादा पानी डालना है, बस थोड़ा सा ही डाल लेना है, खबर की रहर घुंघरी भी पक गई और जरी भी अच्छे से भुजा गई है। तो एक देख सकते हो आप मना रसा बढ़िया से गढ़ा गया अभी। आप मन चाहो तो रहर घुंघरी ना कुकर में भी 1-2 सीटी की आदला पका सकते हो। तो एक डाल देता हूँ यहाँ हरा धनिया। अभी करा बन के तैयार है संगवारी हो जहे जरी और रहर घुंघरी की साग। इला आप मन रोटी की संगमा, भात की संगमा, जैसे भी पसंद हुई खा सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी लगती।
रेसिपी थोड़ा से भी अच्छा लगे सोई संगवारी हो तो एक लाइक जरूर कर दी हो। तो धन्यवाद संगवारी, वीडियो देखिए बार।